इस गाय से चला फिरा नहीं जा रहा, क्योंकि अभी अभी इसने एक बच्चे को जन्म दिया है जिसके लिए ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। राज 10 दिनों से अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, लेकिन आज मर गया। इस बैल की पिछली टांग को किसी ने काट दिया है, इस बछड़े की पिछली टांग किसी ने काट दी। ये दोनों माँ बेटे भी अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई जहाँ पर लड़ रहे हैं। इस बछड़े ने अपनी माँ को खो डाला है। इस गाय को दूध ना देने की वजह से किसी ने घर से बाहर निकाल दिया है। तारा का इस दुनिया में हमारे अलावा यहाँ पर कोई सहारा नहीं है। इस बछड़े के किसी ने कान काट दिए थे। ये बछड़ा अभी भी अपनी माँ की तलाश में है। अब बात मुद्दे की यह है कि यहाँ पर आने के बाद मेरी ज़िंदगी सोच दोनों बदली है, क्योंकि जब मैं सेवा के साथ नहीं जुड़ा था तब मुझे कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल प्रॉब्लम का और मेरी स्टडी का डर सताता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने पाया कि मेरे से 1000 गुना बड़ी तो प्रॉब्लम इन बेजुबानों की है। मेरे को तो भगवान ने 2 हाथ भी दे दिए उन प्रॉब्लमों का सलूशन करने के लिए, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी तो कहीं ना कहीं हमारे इंसानों पर है। और मैं उस समय हैरान हो गया जब मैंने ये पाया कि यहाँ पर आ रहे 90% क्रुएल्टी केस तो इंसानों के हाथों से हो रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं YouTube पर थोड़ी सर्च कर रहा था और उस समय मेरे ध्यान में एक वीडियो आई जिसको देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि कैंसर वाले बच्चों के हॉस्पिटल जो फॉरेन में है, किसी को इनमें जहाँ पर ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैंसर है, किसी चला नहीं जा रहा, इन सभी के पास कहीं ना कहीं अपना ज़िंदगी का थोड़ा समय ही बाकी है। और डॉक्टरों ने इनके पेरेंट्स को सलाह दी कि अगर ये बच्चे थोड़ा बहुत अपना जीवन जानवरों के साथ बिताएं तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। और उधर मैं अपने भारत में आ जाऊँ तो यहाँ पर माता पिता यह कहकर अपने बच्चों को इन जानवरों से दूर कर देते हैं कि तुम्हें वायरल हो जाएगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगी। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस और इस चीज़ पर काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं आप सभी को एक ही एडवाइस दूंगा। आप किसी भी सिटी, किसी भी टाउन और किसी भी गांव में हैं, आप अपने ज़िंदगी के सिर्फ 1 घंटा निकालकर नज़दीकी गायशाला या किसी भी NGO की मदद करने ज़रूर जाएं। इससे ना केवल उनको फ़ायदा होगा, आपकी भी कहीं ना कहीं मदद होगी।